बरसात है कि आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो कहानी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया, कुछ ज्यादा चीजें आगे बढ़ी नहीं, बस दो चीजें हुई हैं, तीन चीजें बल्कि, और बस एपिसोड खत्म हो गया। पहली चीज तो भाई हम लोगों ने कल ही देखा था कि ये भाई एक मतलब इन लोगों के बीच में एक टास्क चल रहा था, एक गेम खेल रहे, जिसमें क्या होता भाई तो एक क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, ठीक है, उसका जवाब देना है, फिर कुछ करने को कहा जाएगा, वो करवाया जाएगा। कल हुआ था रियांश के साथ, आज क्यों, आज भी रियांश के साथ, मतलब ये होगा कि भाई रियांश को प्रपोज करना है, जो दूसरी लड़की है उनकी मिमी की उसको, फिर उसके बाद क्या था भाई उसको फिर से आ गया। तो भाई यहाँ पर फिर एक और बात, मतलब क्या पूछे रात ने, तो मतलब ये चीज़ें मतलब रिपीट पर चल रही थी। इसके वजह से क्या हुआ, वहां से जो हमारी आराधना है, पहले वोट की तो नहीं गई, लेकिन आराधना ने कुछ ऐसी बात की और रियाज को अच्छी लगी। रियाज ने मतलब एक खासा ये बोला था कि वो मतलब एक और चांस चाहता है प्यार में, और वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि तो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो कि अब उसको दूसरा मौका मिले, या फिर कुछ ऐसा हो कि उस पर भरोसा करे। तो यहाँ पे भाई साहब जो आराधना वो कुछ बोल देती है, इसके चलते रियांश वो मतलब सुन नहीं पाता, वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आराधना भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो चंडीगढ़ वाला है वो आके उसके पास बैठ जाता, मतलब काफी देर पोजिशन हो जाता, तो उसको अनकम्फर्टेबल फील करवा देता है आराधना को, तो वहां से वो निकल जाती है। अब वो निकलती है जो जिंदल है उनका मोबाइल गायब करने के लिए। तभी क्या होता है, वो सोच रही होती है कि कैसे गायब कौन कैसे, वो जो एकदम से उठा लेती है। रियांश आता है उसको लेके वहां से, एक कोने में जाके उससे मतलब बोलता है कि ये है वो है वो है ये, मतलब बात करने की कोशिश करता है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो कि एक और चांस मिल सके। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुई ये चीज कि मतलब क्या कहते हैं कि जो वो चाहता है वो कहीं ना कहीं ये कि आराधना के साथ वो दोबारा मतलब एक हो पाए, जो भी चीज हो जैसा भी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हो जाए, बट नहीं हो पाता। आराधना नहीं सुनती, ठीक है, वो वहां से चली जाती है उस चंडीगढ़ वाले को बोल करके, चलो भाई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, तभी का तो बीच में दो लोग आते हैं, उनका तो शीशा वीशा तोड़वा के जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं उस चंडीगढ़ वाले से, तो इसको देखो भाग जाते हैं। वहां पे आराधना अकेली हो जाती है। अब आराधना क्या होती है, आराधना को बोलते हैं भाई जो तुम्हारी जो चल रही है ना ये जासूसी, उस जासूसी को यहीं पे रोक दो, ना ना कार मिलेगी ना तुम्हारी बॉडी। ये सुनकर मतलब वो बढ़ जाते, क्या क्या करो क्या करोगे, उसके मतलब बैग में टेजर वो उस पहले दिखा चुकी होती, क्योंकि जो चंडीगढ़ वाला है उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते, उसकी वजह से वो बोलता है, बोलती है कि अगर मतलब नहीं हुआ कुछ, नहीं कर चला पाए कुछ और हो तो तुम्हें सच वाला करंट भी मिले, क्योंकि मेरे पास ये है। ये देख के वो डर जाता है, फिर दोनों हाथों की गाड़ी चला रहा होता है। तो वहां पे भाई वो टेजर दिखाते हैं, फिर उसके बाद का जब वो लोग जबरदस्ती करने लग जाते हैं उसके साथ, उसको मतलब एक तरीके से हैरेसमेंट करने लग जाते हैं, उस पर दबाव बनाने लग जाते हैं, वो कार के अंदर घुसती है, टेजर निकाल के उसमें से एक को तो मार देती है, दूसरा बच जाता है, तो दूसरे के साथ मतलब उसकी छीना झपटी चलती है, क्योंकि वो जो टेजर है वो पकड़ लेता है दूसरा वाला लड़का आदमी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रियांश आता है, फिर उसको भाई मतलब रियांश क्या वो इतने ज्यादा कमजोर दिखो गए, वैसे उतना ज्यादा अकड़ है, तो मुझे ये चीज समझ भी नहीं कि ऐसा क्यों। रियांश के सामने थोड़ा सा दिखाते हैं अकड़पन तो मजा आता है ना, रियांश के सामने लप्पू से दिख रहे हैं, है? वैसे उसके सामने चंडीगढ़ वाले के सामने तो चंडीगढ़ वाला लप्पू सा लग रहा है, थोड़ा ये मतलब बराबर नहीं हुआ था, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। बाकी यहाँ पे फिर रियांश आता है, फिर वो दोनों को लेकर मतलब वो दोनों चले जाते हैं वापस घर। अब एक और चीज जो है वो आगे ये हुआ कि रियांश के पापा जो है वो भी वापस मतलब जो आ गए वापस देहरादून में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो पहुंच जाते उसी कैफे में, अब कैफे वाले एंडी के साथ, रियाज के पापा का शायद कुछ चलेगा, एंड आई होप लेट्स सी क्या होता है बाकी। भाई अब कल के एपिसोड करके मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ रियांश और आराधना को लेकर कुछ बड़ा बवाल होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, बाकी देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन एपिसोड आज का बढ़िया था, मजेदार था। हाँ जो रियांश और चंडीगढ़ वाले के बीच में था वो बड़ा मजेदार लगता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी देखते हैं कि अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है कैसा होता है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बसाते का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और इसी तरीके से हमारे बसाते के हर एक एपिसोड के लिए से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आज मैं बसाते के किसी भी आने वाले एपिसोड का कोई भी